नवरत्न अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब लेक्चर में स्वागत है। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि नंबर्स क्या होता है, नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, नंबर्स के सारे टाइप हमने उस लेक्चर में डिस्कस करे थे। आज यहाँ पे नंबर सिस्टम में जो टाइप नंबर 1 है, टाइप नंबर 2 है, टाइप नंबर 3 है, टाइप नंबर 4 है, उन सवालों को कैसे करते हैं, उनकी फॉर्मूले क्या है, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले टाइप बनाते हैं टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में हम लोग स्टडी करेंगे कैसे क्रमांकगत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए अगर कोई संख्या क्रम से रहेगी, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्रमांकगत का मतलब क्रम से, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 up to 10, यानी 1 से लेकर 10 तक लगातार संख्याएं दी हुई हैं, आप उनका योग कैसे निकालोगे। तो सबसे पहला एक फॉर्मूला है यहाँ पे क्रमांकगत संख्याओं को निकालने का, योग बराबर n (n+1)/2। यहाँ पे जो n है वो पदों की संख्या है। जैसे मान लो आपको 1 से लेकर 100 तक की क्रमांकगत संख्याओं का योग निकालना है, तो आप n के स्थान पे 100 रखोगे। लेकिन हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 1 से लेकर 10 तक का योग बताओ, वो भी क्रमांकगत संख्याओं का। तो यहाँ पे हम n की जगह रखेंगे 10 × 10+1/2। 10 × 10 = 1/2, 10 × 11 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 5 × 11 कितना हो जाएगा 55। यानी 1 से लेकर 10 तक की क्रमांकगत संख्याओं का जो योग होता है वो 55 होता है। सवाल नंबर दूसरा ये है कि 1 से लेकर 100 तक की क्रमांकगत संख्याओं का योग कितना होगा। तो सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, n (n+1)/2। यहाँ पे n कितना है 100, क्योंकि हमें 100 तक 100 पदों का योग निकालना है। 100 × 100 = 1/2 कितना हो जाएगा 100 × 101/2, 2 से 100 = 50, 50 × 101 कितना हो जाएगा 5050। तीसरा क्वेश्चन है 1 से लेकर 1000 तक की क्रमांकगत संख्याओं का योग कितना होगा। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n (n+1)/2, 1000 × 1000 = 1/2 कितना हो जाएगा 500 × 500। सिंपल सी बात है, 1 से लेकर 10 तक 55, 1 से लेकर 100 तक 50 50, 1 से लेकर 1000 तक 500 500। यहाँ पे 10 और बढ़ेगा तो यहाँ पे 10 और बढ़ जाएगा, यानी 10000 का कितना होगा 5000, 1 लाख का कितना होगा 50000। ऐसा सिस्टम है, 55, 50, 500, 5000, 5000, 5 लाख, 5000, 5 लाख, 5 लाख, ऐसे कंटिन्यूअस में आएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो इसमें 11 से लेके 20 तक क्रमांकगत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर 11 से 20 तक हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, हम क्या करेंगे पहले 1 से 20 तक का निकालेंगे, फिर 1 से 10 तक का घटा देंगे, तो हमारा 11 से 20 का आ जाएगा। तो सेम यहाँ 20 का हम 20 × 21/2, 10 × 11/2, 210 - 55 कितना हो जाएगा 155। ये था टाइप नंबर 1 जिसमें छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आते हैं टाइप नंबर 2 पे। पहले टाइप में हम देखा कि क्रमांकगत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं। टाइप नंबर 2 में ये हम देखेंगे कि अगर संख्याएं क्रम से ना हो बट उनके प्रत्येक पद में एक सेम डिफरेंस हो, यानी पदों का जो अंतर हो क्या हो समान हो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे 2, 4, 6 लगातार 20 तक है, तो देखो हर एक पद में एक सेम डिफरेंस है, 2 और 4 में 2 का अंतर है, 4 6 में 2 का अंतर, 6 8 में 2 का अंतर, यानी एक इस तरह की सीरीज को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे फॉर्मूला है, सबसे पहले यहाँ पे आपको पदों की संख्या निकालना पड़ेगा, फिर योग बराबर होता है पदों की संख्या बटे 2 × पहला पद + आखिरी पद। अब जैसे आपसे कहा कि 2 से लेकर 20 तक की समस्त सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो हम पदों की संख्या निकालेंगे। पदों की संख्या का मतलब क्या है, आखिरी पद माइनस पहला पद बटे अंतर प्लस 1, तो 20 आखिरी पद है, 2 पहला पद है, बटे 2 प्लस 1, 2 क्या है पदों का अंतर, तो 18 × 2 = 9, 9 + 1 = 10 कितना हो जाएगा, यानी टोटल पद कितना है 10। वैसे भी 2 × 20 तो वैसे मौखिक ही था कि 10 पद होंगे। फॉर्मूला
पदों की संख्या बटे दो, पहला पद प्लस आखिरी पद। पद कितना है 10, दो से भाग देना है। पहला पद 2 है, आखिरी पद 20 है, कितना हो जाएगा ये 110। दूसरा उदाहरण लेते हैं, कहा कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करो। तो 3 के प्रथम 10 गुणज क्या होंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरके 9, 3 धाएंगे 30। अब जब उसने बोल ही दिया कि 10 गुणज है, तो यानी पद 10 है, तो डायरेक्ट अपन डायरेक्ट फॉर्म लगा सकते हैं, 10 बटे 2 पहला पद प्लस आखिरी पद, कितना जाएगा 165। या फॉर्मूले से निकालना चाहो तो आखिरी पद माइनस पहला पद बटे सर्वांतर प्लस 1, कितना आ जाएगा 10 पद। तीसरा क्वेश्चन है, 5 प्रथम 20, 5 की गुणजों का योग ज्ञात करिए। तो 5 10 15 और 20 बचे 100, यानी आखिरी में पद कितना होगा 20। तो सेम फॉर्मूला है यहाँ पे, अगर आपको पदों की संख्या निकालना है तो 100 माइनस 5 बटे जितना डिफरेंस है प्लस 1 20 पद आ जाएंगे। पदों की संख्या बटे 2 पहला पद आखिरी पद, कितना हो जाएगा 1050। टाइप नंबर 2 में क्या होगा, अभी तक हमने देखा कि क्रमांकित संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे या फिर समांतर श्रेणी का योग कैसे निकालेंगे। टाइप नंबर 3 में हम देखने जा रहे हैं कि क्रमांकित संख्याओं के वर्गों का योग हम कैसे निकालेंगे। तो इसका भी फॉर्मूला है, योग बराबर पदों की संख्या गुणा पदों की संख्या प्लस 1 गुणा पदों की संख्या का दुगना प्लस 1 बटा 6। जैसे आपसे कहा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू 10 का स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे, 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1, तो 10 11 21 बटे 6, कितना हो जाएगा 365। सेकंड क्वेश्चन है, 1 से लेकर 20 तक की क्रमांकित संख्याओं की वर्गों का योग। तो सेम फॉर्मूला, जितना पद है 20, 20 में 1 जुड़ेगा 21, 20 के दुगने प्लस 1 जुड़ेंगे तो 41 बटे 6, कितना हो जाएगा 2870। टाइप नंबर 4, यदि आपसे कहा जाए क्रमांकित संख्याओं के घनों का योग, तो 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, मान लो 10 तक का है, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यानी 10 गुणा 11 बटे 2 55 का स्क्वायर, कितना होता है 3025। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो यदि अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।